भारत की सदगति और दुर्गति का? भारत की सदगति और दुर्गति, हाँ, निमित्त कौन है? हाँ, क्योंकि भारत जो है माता भी कहा जाता है। अगर माता है तो क्या विधवा है? है? जरूर सदवा है, तो पूजा होती है सदवाओं की। तो भारत माता सदवा है, इसका मतलब भारत माता है तो पिता भी जरूर है। है या नहीं है? लेकिन पिता पुरुष है या स्त्री है? और पुरुष सब दुर्योधन दुशासन चोला ही ऐसा है, इसलिए हथेली पर तो आम नहीं जमाया जा सकता। एकदम जल्दी में कोई काम हो सकता है? नहीं होता। तो जो भारत पिता कहा जाता है, वो भारत पिता जो ज्ञान की रोशनी में रत रहने वाला है, वो पुरुष चोले वाला है। और पुरुष चोला होते हुए भी उसे पुरुषार्थी जीवन में लंबा समय काटना है कि थोड़ा समय? लंबा समय काटना है। तो जो लंबा समय काटा जाता है पुरुषार्थी जीवन में, उसमें गिरना और उठना दोनों होगा या नहीं होगा? हमें उन राहों पर चलना है जहां गिरना और संभलना है। तो कौन गिरता है? जन्म जन्मांतर पवित्र रहने वाली लक्ष्मी गिरती है या नारायण वाली आत्मा गिरती है अंतिम जन्म? इसलिए दुर्गति का निमित्त भी वही बनता है और फिर सदगति का भी निमित्त वही बनता है। क्यों? इसलिए कि ज्ञान को सत्य कहा जाता है, लेकिन उस ज्ञान से भी ऊंची और कोई चीज है, है? ज्ञानात् ध्यानम विशिष्यते, याद। और उस याद में लक्ष्मी उस चीज ही नहीं है। कौन सी है? है एकलव्य राम वाली आत्मा तीखी। वो सदगति का भी निमित्त है और दुर्गति का भी निमित्त है।